ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सी के इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके फीचर्स देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया। तो सी प्रोग्राम ट्यूटोरियल के अंदर एक सिंपल फोल्डर बनाया, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद पी एस कोड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने उसको ऑलरेडी उस फोल्डर में वी एस कोड ओपन कर लिया है। ये देखिए सिंपल फोल्डर। तो यहाँ पे अभी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखने वाले, उसके लिए हम लोग एक सी का फाइल ऐड करते हैं। चलिए एक सिंपल फाइल ऐड कर लेते हैं, सिंपल नेम का फाइल बनाते हैं, सिंपल डॉट सी, इंटर दबा दीजिए। ये देखिए आपका सी का फाइल बन गया है। अभी यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम लिख लेता हूँ मैं अभी के लिए। चलिए मैंने एक सी का सिंपल प्रोग्राम लिख लिया है, और यहाँ पे देखिए डॉट दिख रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम सेव नहीं है। तो कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये बेसिक फाइल बनाई है, उसमें एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है। ये क्या करता है कि हेलो गाइज करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। तो एक्चुअल में देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे मतलब डिफाइन है। ये पहली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, देखो। तो हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये क्या करती है एक्चुअल में, माइक्रो डेफिनेशन होती है तो प्रोग्राम में ले आती है, मतलब प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज और कमांड्स होती है। तो जो बाहर के फाइल्स है वो पहले प्रोग्राम के कंपाइलेशन से पहले उसको प्रोग्राम में ले आती है। तो इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी, और इसको कहते हैं कि हेडर फाइल्स भी कहते हैं इसको। उसके साथ साथ ही जो कंपोनेंट होता है उसका नेम है कि मेन फंक्शन, मतलब ये प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है, मतलब यहाँ से एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का, मतलब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होते जाता है। कुछ भी फंक्शनलिटी सी प्रोग्राम की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इंटीजर मेन करके लिखा है, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया है, उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी लिखी है ये फंक्शन इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे इंटीजर लिखा है, INT मतलब इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये है कि फाइल क्या कर, ये प्रोग्राम एक्चुअल में करता क्या है कि जो भी इंटीजर वैल्यू होगी, फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता होगा, मतलब कुछ वैल्यू हमें देता होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के एंड में उसको रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन हमें जीरो देता है तो जीरो रिटर्न कर रहे हैं। आप यहाँ पे वन लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप लोग दे सकते हैं, मतलब ये फंक्शनलिटी इसने पूरी परफॉर्म की है तो ये रिटर्न जीरो कर देगा, मतलब इसका प्रोग्रामिंग के एंड गोल। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखिए हम लोग पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इंटीजर मेन करके एक मेन फंक्शन है जो मतलब एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, तो लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी तो वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो एक चीज़ हमने सीखी कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग इस प्रोग्राम को रन करने वाले, एक बात ध्यान रखिए कि पहले चेक कीजिए कि एक्चुअल में हम लोग जिस पाथ पे फाइल क्रिएट की उसी पाथ पे है क्या। मैं तो एक्चुअली उसी पाथ पे हूँ, तो आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। देखिए तो कमांड देखिए क्या है, gcc स्पेस आपके फाइल का नेम क्या है, सिंपल डॉट सी। तो देखिए अभी मैंने इसको कंपाइल कर लिया है, इस फाइल को कंपाइल कर लिया है। यहाँ देखिए .exe वाली आउटपुट की भी फाइल बन गई। तो इसको रन करते .a.exe जो भी फाइल बनी है उसका नेम लिखने का और एंटर दबाने का। ये देखिए प्रोग्राम हम क्या प्रिंट कर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हेलो गाइस ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। तो इस फंक्शन मतलब इस प्रोग्राम का मेन फंक्शनलिटी यही था कि ये हेलो गाइस करके जो भी प्रिंट कर रहा है ये यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करे। तो ये था बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। यही मतलब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम लोग आगे जाके हर एक प्रोग्राम में फॉलो करने वाले। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ध्यान में रखिए, ओके। और जो भी मैंने बताया कि एक हेडर फाइल्स है और प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज यहाँ से यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज क्या है, मतलब उसका यूज क्या है, वो आगे जाके हम इस पूरे ट्यूटोरियल में देखने वाले। इस पर अभी के लिए ज़्यादा फोकस मत कीजिए।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ जल्द ही। बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू गाइस।